दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने मुख्य सचिव और दो करीबियों को पद से हटाया। मुख्य सचिव किम जोंग सेओक ने अपने हटाए जाने की जानकारी खुद पत्रकारों को दी। अब उनकी जगह चीन में दक्षिण कोरिया के राजदूत और तीन बार सांसद रह चुके नो हयंग मिन लेंगे। सियोल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जाई इन ने अपने मुख्य सचिव और दो अन्य करीबियों को मंगलवार को पद से हटा दिया। इसे उनकी गिरती छवि को बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। मून ने अपनी पूर्ववर्ती पाक गवेंदेह के भ्रष्टाचार के आरोपों में अपदस्थ होने के बाद मई 2017 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की थी। पिछले साल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच रिश्तों में नरमी ने उन्हें चर्चा में ला दिया था। हालिया कुछ समय में धीमी विकास दर और बेरोजगारी ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है और सामाजिक सुधारों के उनके वादों के प्रति भी निराशा हाथ लगी है। मुख्य सचिव किम जोंग सेओक ने अपने हटाए जाने की जानकारी खुद पत्रकारों को दी। अब उनकी जगह चीन में दक्षिण कोरिया के राजदूत और तीन बार सांसद रह चुके नो हयंग मिन लेंगे। नो 62 वर्ष 2000 में राजनीति में आने से पहले 1970 और 1980 के बीच लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता थे। राजनीति में आने के बाद वह मुल्की वाम के प्रति झुकाव रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी में शामिल हो गए थे।